ज्योमेट्री के बारे में एक बार फिर से उसको भी रिवाइज करेंगे, क्योंकि फिर सबसे पहले मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली डेफिनेशन हमने आपको बताई थी एक्स कोऑर्डिनेट, या दूसरा नाम इसका बताया था एक्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट हमने कहा था किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। पहली बात एक्स कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सपोज ये पॉइंट है हमारे पास कोई पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 6। तो अब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसकी यहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस हमें दी हुई 6। इसी तरह वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है ये, तो एक्स कोऑर्डिनेट ये जो है आपका हुआ वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अब जैसे आपने पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट की इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस 5 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपने 5 लिख दिया। इसी तरह इस पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 6 है, तो इसको आपने लिख दिया वाई कोऑर्डिनेट। या दूसरा नाम इसका है ऑर्डिनेट। तो ये डेफिनेशन हुई इसकी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक बात क्लियर है यहां से, अगर ये पॉइंट पी यहां की बजाय यहां हो वाई एक्सिस पे, तो फिर इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0। इसलिए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सेस फ्रॉम वाई एक्सेस इज 0। कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पर होगा उसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, 0। इसलिए जनरल जो पॉइंट है ऑन वाई एक्सिस आप लेंगे तो उसके लिए आप लेंगे 0, y। यानी इसका पॉइंट का पी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो हो गया 0, और वाई कोऑर्डिनेट मान लीजिए वाई कह देते हैं तो वाई। इसी तरह एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट मान लीजिए यहाँ एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो क्या है, 0। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब जो पॉइंट आप जनरली एक्स एक्सिस पे लेंगे वो लेंगे x,0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0। लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, 0। इसी तरह जो पॉइंट वाई एक्सिस पर है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन में ये आएगा फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो आप एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो सपोज करेंगे x,0। वाई एक्सिस पे अगर आपको सपोज करना पड़ेगा तो 0,y। अगर ओरिजिन से फाइंड करना है, मान लीजिए ये पॉइंट है P, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ऑफ P निकालनी है, तो फिर आप पिछले चैप्टर में पाइथागोरस प्रमेय
पढ़ चुके हैं, इस राइट ट्राइंगल ओ पी आर में पी जी टी लगाएंगे तब आपके पास ओ पी डिस्टेंस आएगी, और वो होगी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। उसके लिए आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वेयर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वेयर, क्यों? क्योंकि अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, इस पॉइंट का आपका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है, तो इसमें जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी पॉइंट की वो आएगी 5 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर, यानी 25 प्लस 36, ये कहेंगे आप रूट 61। तो जनरल फॉर्मूले आपके पास क्या हुआ, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा जीरो लेंगे आप, वाई एक्सिस पे है 0 कोमा वाई लेंगे, ओरिजिन पे से डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। दूसरा, अगर आपको किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यहां मैंने लिखा है डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको आप वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो मान लीजिए आपने ये पॉइंट ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट लिखे -1, 2, और केवल ये पूछा जाए कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए, तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है यानी 2 वो आंसर हो। अगर इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो वाई कोऑर्डिनेट जो है 2 वही आंसर होगा। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाए तो आप -1 नहीं कहेंगे, 1 कहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये चार बातें अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है उसका एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये है वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ये पॉइंट मान लीजिए आपको दिया हुआ है -1, 2, तो इस पॉइंट में वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो +1 होगी और एक्स एक्सिस से 2, और ओरिजिन से निकाले तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी के बेस पर ये सभी बातें हम 9 में भी बता चुके थे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करा दिए। इसके बेस पर ही हम पहला फॉर्मूला 7 चैप्टर का स्टार्ट डेराइव करेंगे, जिसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यानी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कहलाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है उसके लिए पहले आप फिर से देखें, सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये इसका ओरिजिन। अब ओरिजिन ये है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0, 0 ही होंगे हमेशा, क्यों होंगे? क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, तो इस पॉइंट ऊपर ओरिजिन पर एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस पॉइंट की 0 होगी और वाई एक्सिस से भी, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे आप 0। अब सपोज आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ये पी, और पी के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने कह दिया x1, y1। तो पहली बात तो इस पी पॉइंट के बारे में आप जान लें, अगर इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो इसका मतलब है कि इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो होगी x1, यानी ये डिस्टेंस, या नाम भी मैं दे दूं तो एल से लेके पी तक की डिस्टेंस x1 होगी। यहां पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पर भी, लेकिन ये डिस्टेंस होनी चाहिए परपेंडिकुलर। इसी तरह इस पॉइंट पी की जो वाई कोऑर्डिनेट है y1 वो होगी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो किसी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है तो इसका मतलब इस पी पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 होगी एक्स एक्सिस से y1। एक पॉइंट और ले लेते हैं, सपोज ये ले लिया आपने आर या क्यू, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x2, y2। तो यहां भी वही बात है, इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से ये तो होगी y2,
और इसकी यहां से डिस्टेंस पूछे तो आपकी होगी एक्स टू, कहीं ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की एक्स टू है, अगर पॉइंट का नाम क्यू है। तो अब यहां से क्लियर क्या है कि अगर पॉइंट क्यू है तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स टू होगी, एक्स एक्सिस से वाई टू। अगर मैं पी और क्यू को ज्वाइन करता हूं तो पी और क्यू को ज्वाइन करता हूं और पी से यहां ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल आ जाएगी, इसका नाम मैं लिख देता हूं मान लीजिए आर या पी ए क्यू, यानी पी को क्यू से ज्वाइन करेंगे और पी से इस क्यू एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर दिया तो पी क्यू आर आपके पास एक राइट ट्राइंगल होगी और राइट ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। उससे आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब ये है कि नहीं, दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, तो मैंने जो दो पॉइंट्स लिए, एक तो पी लिया है एक्स वन कोमा वाई वन, एक लिया क्यू एक्स टू कोमा वाई टू, इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का मैं फॉर्मूला डेराइव कर रहा हूं। उसके लिए मुझे पी को क्यू से ज्वाइन करना पड़ेगा, पी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक्स एक्सिस पर, क्यू से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्स एक्सिस पर और पी से पी आर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने क्यू एन पर, तो मेरे पास राइट ट्राइंगल आ गई पी क्यू आर। पी क्यू आर राइट ट्राइंगल में तीनों साइड सब आप देखिए, पहले पता लगाइए, पहली साइड में पी से आर की डिस्टेंस पूछूं आपसे, पी आर जो डिस्टेंस हुई वो हुई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस एक्स टू है और यहां से लेके यहां तक की एक्स वन, इसका मतलब बीच में जो बच गई वो बच गई एक्स टू माइनस एक्स, यानी ये डिस्टेंस क्या बच गई एक्स टू माइनस एक्स, किसकी, पी और आर के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि इस पॉइंट से यहां इस लाइन पर जो भी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू है, तो एक्स टू डिस्टेंस होगी, चाहे इस पॉइंट की कहें इसकी कहें इसकी कहें किसी भी, तो यहां से यहां तक एक्स टू है, यहां से यहां तक एक्स वन है, एक्स टू में से एक्स वन हटा दीजिए। इसी तरह क्यू आर अगर आप निकालें तो आपके पास होगी वाई टू माइनस वाई वन, क्यों, क्यू ये है यहां से यहां तक की हाइट वाई टू है और यहां से यहां तक की ये वाई वन है, तो ये भी यहां से यहां तक क्या होगा वाई वन, इसका मतलब ये ऊपर क्या बच गया वाई टू माइनस वाई वन। तो यहां आप इसमें पीजीटी अगर मैं यूज करूं तो मेरे पास पी क्यू स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, पी आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर के बाय पी जी टी, और यहां से अगर आप पी क्यू निकालें तो आपके पास आ गया अंडर रूट पी आर का स्क्वेयर, लेकिन पी आर है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस क्यू आर का स्क्वेयर यानी वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास पॉइंट पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकालने का, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर, लेकिन ये तभी होगा जब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वन वाई वन और क्यू के क्या होंगे एक्स टू वाई टू। तो ये डेराइव करना हमें आए या ना आए, ये अप्लाई करना आना चाहिए। अब इसे अप्लाई करने की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री कोमा टू और क्यू इसके कोऑर्डिनेट है फोर और फाइव। तो अब आप सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या है एक्स वन, ये क्या है वाई वन, ये क्या है एक्स टू और ये क्या है वाई, यानी पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स वन वाई वन, तो एक्स वन की जगह माइनस थ्री है, वाई वन की जगह टू,
इसी तरह एक्स टू की जगह 4 है और वाई टू की जगह 4। तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे और पी क्यू डिस्टेंस निकालेंगे तो इससे अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू है 4, माइनस एक्स वन का मतलब एक्स वन का साइन चेंज करना है, तो माइनस 3 है तो क्या बन जाएगा प्लस 3, यानी 4 प्लस 3 का स्क्वेयर। प्लस ऐसे ही दूसरा वाई टू 5 माइनस वाई वन माइनस टू का स्क्वेयर। यानी आपने देखना क्या है कि एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू का तो साइन चेंज नहीं करना, एक्स वन के आगे क्योंकि माइनस है तो एक्स वन जो भी है यहाँ उसका साइन चेंज करके लिखना है, यहाँ माइनस 3 था तो मैंने प्लस 3 लिख दिया। इसी तरह वाई टू का साइन चेंज नहीं करना, वाई वन का करना है, वाई वन यहाँ प्लस 2 है तो क्या कर दिया मैंने माइनस 2। ये सोल्व करेंगे आप तो 4 प्लस 3 पर ब्रैकेट सोल्व करेंगे 7, और 7 का स्क्वेयर हो गया आपके पास 49। इसी तरह 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वेयर हो गया 9, और इन्हें ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी रूट 58 यूनिट, क्योंकि 58 एक स्क्वेयर नंबर तो है नहीं, तो इसका आंसर सीधा लिखा जाएगा रूट 58। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिर्फ अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, मैं दोबारा लिखता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास हुआ कि मान लीजिए आपके पास पॉइंट ए, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, इसी तरह पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू कॉमा वाई टू, और एक भी डिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वेयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वेयर। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल नहीं है, एक्स टू माइनस एक्स वन तो एक्स वन माइनस एक्स टू के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इनका स्क्वेयर करेंगे आप तो वो इक्वल होगा, इसलिए मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन की स्क्वेयर दिख गया एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वेयर लिख दिया। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये यानी आपने एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला सब्ट्रैक्ट करना है उसका स्क्वेयर, प्लस वाई वाले कोऑर्डिनेट में से वाई वाला सब्ट्रैक्ट करना है उसका स्क्वेयर। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहली बात तो इस डिस्टेंस फॉर्मूले को आप किन किन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे? तीन तरह के क्वेश्चन है जिनमें अप्लाई करेंगे। जब भी कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल प्रूव करनी है, कि ट्राइंगल की टाइप प्रूव करनी है, आइसोसेलस है या इक्विलेटरल है या राइट ट्राइंगल है, या आपको क्वाड्रिलेटरल की टाइप प्रूव करनी है कि पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या रोम्बस है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन जिसमें इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए, जैसे यहां एक क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, तो जहां भी इक्विडिस्टेंट वर्ड आ जाए इसका मतलब है उसमें हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो सिर्फ आपको तीन तरह के क्वेश्चनों में ये फॉर्मूला यूज करना है। नंबर एक, अगर आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना चाहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्राइंगल्स या क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स को प्रूव करना चाहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, या इक्विडिस्टेंट वर्ड जिस भी क्वेश्चन में आएगा उसमें भी ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज 7.1 में सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3
और फोर वन, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो या तो आप पहले पॉइंट्स का नाम लिख लीजिए, नाम नहीं लिखा हुआ यहां, मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे दिया आपने ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी। तो नाम देने पर फायदा ये होगा कि अब एक्स वन वाई वन आपके पास क्लियरली पता लग जाएंगे आपको, एक्स वन है टू, वाई वन है थ्री, इसी तरह एक्स टू है फोर, वाई टू है वन। इसलिए अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, अगर आपको डिस्टेंस ए बी निकालनी है तो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई वन वन माइनस वाई टू थ्री का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे फोर माइनस टू टू का स्क्वायर फोर आएगा प्लस वन माइनस थ्री भी माइनस टू आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस फोर, और ऐड करेंगे तो रूट एट। अब रूट एट भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन रूट एट को फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसे आप लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू, और टू का पेयर कंप्लीट एक टू का अगर हो गया तो टू बाहर आ सकता है, यानी डिस्टेंस आ गई टू रूट टू यूनिट, ये आ गई। इज इट क्लियर बेटा? हेलो बेटा, डिस्टेंस निकाल, ओके बेटा, आपसे देखने को द्वारा आपने करना क्या है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट में से एक्स वाला माइनस करके स्क्वायर कर देना है, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ये करेंगे सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो भी आएगा रूट एट आ गया। रूट एट को अगर फर्दर आप फैक्टराइज कर लेते हैं और कोई पेयर बनता है तो बाहर आ सकता है, अदरवाइज एज इट इज रूट एट ही लिख देंगे। अब पहले क्वेश्चन में सभी में तीनों पार्ट में यही है डिस्टेंस निकालनी, थर्ड पार्ट में अगर ध्यान से देखें तो ए बी में कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पहला कोऑर्डिनेट रखा है ए कॉमा बी और दूसरा कोऑर्डिनेट रखा है माइनस ए कॉमा माइनस बी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है अंडर रूट फॉर्मूले में, ये फॉर्मूले में अंडर रूट रहा एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यहां एक्स टू का मतलब बाद में जो कोऑर्डिनेट है माइनस वन ए, इसमें से ये सेपरेट करें माइनस ए, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस ऐसे ही माइनस बी और माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस ए और माइनस ए ऐड होंगे माइनस टू ए, लेकिन जब उनका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम फोर ए स्क्वायर। इसी तरह माइनस टू बी और इसका स्क्वायर करेंगे फोर बी स्क्वायर, फोर आप कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फोर एक स्क्वायर नंबर भी है यानी इसका स्क्वायर रूट भी ले सकते हो, फोर बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा केवल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। तो ये इसकी क्या हुई डिस्टेंस। इसमें एक और बात, मैंने इन पॉइंट्स को इस बार नाम भी नहीं दिया, नाम नहीं दिया तो आपको लिखना पड़ेगा डिस्टेंस, अगर नाम देंगे होता मान लीजिए इसको P और Q दे देते तो फिर यहाँ डिस्टेंस क्या लिख सकता था, पी पी क्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर वाई टू माइनस वाई टू। मैंने ये भी कहा था कि एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर करेंगे तब भी ये आंसर आएगा, यानी ये पहले लिख देते हैं और इसका साइन चेंज करेंगे माइनस ए का प्लस ए हो जाएगा, तब भी आंसर यही आना है, यानी ए प्लस ए का स्क्वायर अगर आप करें प्लस बी प्लस बी का स्क्वायर तब भी आपके आंसर वही आएगा ए प्लस ए टू ए इसका स्क्वायर करेंगे फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी। तो ये फॉर्मूला या ये अप्लाई करेंगे एक ही बात। तो ये है दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। अब आगे इसको फर्दर कैसे करेंगे, किन क्वेश्चंस में करेंगे, उसके लिए मैंने दो टाइप के क्वेश्चंस बताए, एक तो ट्रायंगल प्रूव करना कि ट्रायंगल आइसोसेलस है, इक्विलेटरल है, राइट ट्रायंगल है या नहीं है। उसके लिए आपको तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे,
जैसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दे रखा है, एक पॉइंट दिया हुआ है आपको फाइव कॉमा माइनस टू, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सिक्स कॉमा फोर, और तीसरा दे रखा है सेवन कॉमा माइनस टू। इसने कहा है चेक वेदर दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट, कहता है चेक करो कि इन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी वो आइसोसेलेस है या नहीं। तो पहले तीनों पॉइंट्स के नाम मैं लिख दूं, इसको मान लीजिए मैंने कह दिया ए, इसको बी और इसको सी, तो मैं ए बी डिस्टेंस यहां से निकालूंगा पहले। आप ए बी डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे ए के और बी के कोऑर्डिनेट लेने हैं, ये एक्स वन वाई और हो गया उस केस में, और ये एक्स टू वाई, यानी सिक्स माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस फोर, यहां लिखा इसका साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस टू विल कन्वर्ट इनटू प्लस। इसको सॉल्व करेंगे अब आप, सिक्स माइनस फाइव वन, वन का स्क्वेयर भी वन ही होगा, ये फोर प्लस टू सिक्स, उसका स्क्वेयर करेंगे थर्टी सिक्स, यानी ये डिस्टेंस आ गई रूट थर्टी सेवन। इसी तरह बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे आप, अब बी और सी के लिए ये पॉइंट्स लेंगे दोनों, एक को भूल जाइए कि ए पॉइंट है, तो यहां फिर एक्स टू हुआ ये सेवन माइनस सिक्स का स्क्वायर और प्लस माइनस टू माइनस फोर का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो सेवन माइनस सिक्स वन, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा, यहां माइनस टू और माइनस फोर माइनस सिक्स हुआ, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस थर्टी सिक्स। माइनस सिक्स का स्क्वायर भी तो प्लस थर्टी सिक्स होता है, ये माइनस टू और माइनस फोर दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम साइन वाली टर्म है तो ऐड होंगी और फिर स्क्वायर, यानी ये भी आपके पास आकर रूट थर्टी सेवन। तो अब आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, इन्हीं से हमें पता लग गया कि क्योंकि इस ट्राइंगल एबीसी की दो साइड एबीसी से इक्वल आ चुकी तो आइसोसेलेस तो ये है, फिर भी तीसरी साइड भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि तो कई बार और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल होगा तो एसी साइड भी निकालनी पड़ेगी। तो यहां से एसी अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी सेवन माइनस फाइव का स्क्वायर, ए सी मीन्स ये पॉइंट लेना है और ये, तो सी का पॉइंट है सेवन माइनस फाइव का स्क्वायर, दूसरा है यहां माइनस टू, यानी पहला कोऑर्डिनेट जो लिखोगे उसका साइन चेंज नहीं करना, माइनस टू है तो माइनस टू ही रहेगा, लेकिन बाद में जो लिख रहा है उसका साइन चेंज करना है प्लस टू का स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सेवन माइनस फाइव टू, टू का स्क्वायर फोर, माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहेगा, यानी ये आएगी आपके पास टू, फोर प्लस जीरो फोर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो टू। तो अब आप रीजन लिख देंगे बिकॉज इन ट्राइंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये दो साइड ए बी भी रूट थर्टी सेवन आएगी और बी सी भी रूट थर्टी सेवन आएगी, ए सी टू अलग आई है लेकिन ये दोनों साइड इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सिर्फ चेक करना था कि क्या ये तीन पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते, तो हमने तीनों डिस्टेंस निकाल ली, क्योंकि ट्रायंगल अगर है तो तीन डिस्टेंस होंगी, तीनों डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो वो तीन डिस्टेंस में से अगर दो इक्वल आती है तो आइसोसेलेस है, तीनों इक्वल आ जाती है तो इक्विलेटरल है, और कोई भी इक्वल नहीं आती है तो स्केलर है, तो ट्राइंगल की टाइप हम डिसाइड कर पाएंगे। क्लियर बेटा? अब हम एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल का है।
ये क्वेश्चन नंबर फोर था। इसके बाद थर्ड में भी कोलिनियर है, कोलिनियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए है सबसे बड़ी डिस्टेंस बाकी दो डिस्टेंस के सम के इक्वल आनी चाहिए। मान लीजिए ये लाइन है आपके पास, ए सी या मान लीजिए बी। अब ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन में ये पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं जो एक ही लाइन में हो। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स अगर हैं तो कोलिनियर पॉइंट्स कब है, जब आप ए सी डिस्टेंस निकालेंगे और बी सी और इनको ऐड करेंगे तो ए बी के इक्वल आनी चाहिए, तब तो ये कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। यानी एक काम और आपको करना है, ये तीनों डिस्टेंस निकालनी है, उसके बाद जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है वो देख रही है कि क्या बाकी दो डिस्टेंस के सम के इक्वल है या नहीं। अगर है तो कोलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कोऑर्डिनेट्स भी खुद ही लिखने हैं, यहाँ चार पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी। अब आप ध्यान से देखें तो ए पॉइंट है, उसको अगर वाई एक्सिस पे देखें तो ये फोर पे कनेक्ट हो रहा है और एक्स एक्सिस पे देखें तो थ्री पे कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर फाइव में एक के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3,4। तो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार देखते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट भी फिर आप पहचान लेंगे। बुक में अगर आप ध्यान से देखेंगे, ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ में चार पॉइंट्स लिख रखे हैं ए बी सी डी। नाइन्थ क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन था कि उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पहचान लें। तो सबसे पहले एक के कोऑर्डिनेट्स पहचानेंगे, यहाँ पे एक को अगर आप देखेंगे बुक में तो यहाँ ए तीन पे मीट कर रहा है, इधर वाई एक्सिस पे फोर पे। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव में एक के कोऑर्डिनेट होंगे 3,4। सिमिलरली हाँ भाई, तेज क्या बात है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो ये है 6,7, क्योंकि बी पॉइंट है सबसे ऊपर, इसके एक्स एक्सिस पे देखेंगे 6 पे मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे 7 पे, तो 6,7। सी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे तो डी के हैं 6,1। एक्स एक्सिस पर ये 6 पर मीट करता है, वाई एक्सिस पे 1 पे। तो ये चार कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आगे इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अगर करेंगे इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन। इसमें आगे आप पढ़ेंगे इनके बीच की यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। उसने कहा भाई ए बी सी डी, एक ने कहा स्क्वेयर है जबकि दूसरे ने कहा कि ये स्क्वेयर नहीं है। यानी ये जो चार पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइनें हैं ये एक स्क्वेयर बनाती हैं या रोमबस बनाती हैं या रेक्टेंगल बनाती है, ये तो तब पता लगेगा जब आप डिस्टेंस निकालेंगे किन किन के बीच की। पहले ए से बी, ए बी, फिर बी से सी, बी सी, फिर सी से डी, सी डी, फिर चौथा ए से डी, ए डी। साथ ही चार पॉइंट्स यानी क्वाड्रिलेटरल के केस में डायगनल भी निकाल के देखने पड़ेंगे आपको, और डायगनल होंगे एक का। अब मैं मान लीजिए ये बना देता हूँ क्वाड्रिलेटरल, तो आप देखिए इसमें एक का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,4, बी का 6,7, सी का 9,4 और डी का 6,1। तो इसका मतलब मेरे पास चार तो साइड होगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, और दो क्या होंगे डायगनल, एक को 6 से ज्वाइन करेंगे एक डायगनल और डी को बी से करेंगे दूसरा डायगनल, तो दो क्या होंगे डायगनल। ये छह डिस्टेंस आपको निकाल के देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो अंडर रूट फॉर्मूला है x2 - x1, यानी 6 - 3 का स्क्वेयर प्लस 7 - 4 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 3 3, 3 का स्क्वेयर 9 ही,
यहाँ 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया √18, और √18 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3√2, क्योंकि 18 को फैक्टराइज करेंगे 3 × 3 × 2, तो 3√2 होगा। इसी तरह BC को ये आएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, दूसरा 4 माइनस 7 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर वही 9, 4 माइनस 7 माइनस 3, लेकिन स्क्वायर करेंगे +9 ही होगा, यानी ये भी √18 आ गया, या आप ये कह सकते हैं ये भी 3√2 है। तीसरा CD डिस्टेंस निकालेंगे, CD निकालेंगे तो C और D के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर +4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब मैंने पहले ये ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले कहा था 9 माइनस 6 ले या 6 माइनस 9 ले, एक ही बात, 9 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9, यहां भी 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी ये भी √18 आ गया, 3√2 ही। इसी तरह चौथी साइड AD निकालेंगे आप, अब A और D के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, A ये है, D है, सॉरी D है, तो ये भी हो गया 6 माइनस 3 का स्क्वायर +1 माइनस 4 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे फिर से 6 माइनस 3 9, 6 माइनस 3 पहली बार 3, उसका स्क्वायर करेंगे 9, इसको भी सॉल्व करेंगे वही 9 आएगा, यानी √18। तो इसका मतलब चारों साइड तो इसकी इक्वल आ गई। अब कई बच्चे बड़ी जल्दी से कहेंगे कि चारों साइड इक्वल आ गई इसमें स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, चारों साइड इक्वल आके स्क्वायर भी हो सकता है, रोमबस भी, क्योंकि चारों साइड रोमबस की भी इक्वल होती है स्क्वायर की भी। तो अब डायगोनल AC और BD को निकालेंगे, AC अगर आप निकालेंगे तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर और दूसरा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यह आ गया 36, क्योंकि 9 में 3 सेपरेट करेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 और ये 0, स्क्वायर रूट लेंगे तो 6। इसी तरह BD डायगोनल निकालेंगे, BD डायगोनल के लिए ये दोनों लेंगे 6 माइनस 6 +1 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी ये 0, ये 36, वही 6। तो अब यहां क्लियरली हो गया, क्योंकि इसके चारों साइड इक्वल है और डायगोनल AC और BD भी इक्वल है, तो यहां लिख देंगे बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, ऑल्सो इक्वल, सो इट इज ए स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर। बस डिफरेंस रोमबस और स्क्वायर में यही है कि अगर ये रोमबस होता तो ये साइड्स तो इक्वल आती, ये डायगोनल AC और BD इक्वल नहीं आते, लेकिन यहाँ AC और BD दोनों डायगोनल B6 6 इक्वल आए हैं, तो डायगोनल्स भी इक्वल है इसमें और साइड्स भी इक्वल है, इसलिए क्या होगा स्क्वायर। तो जिन भी क्वेश्चन में 4 पॉइंट दे रखे हैं वहां 6 डिस्टेंस निकाल के देखने पड़ेंगे आपको, और उन 6 डिस्टेंस से 4 साइड्स होंगी, 2 डायगोनल, फिर आप देखेंगे कि क्या ये रेक्टेंगल है या रोमबस है या स्क्वायर है या, तो रोमबस और स्क्वायर का मैंने बता दिया, अगर केवल 4 साइड्स इक्वल आती हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो रोमबस है, चारों साइड्स और डायगोनल दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर स्क्वायर है, यही पैरेललोग्राम में होगा, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में भी डिफरेंस है। तो आज आप इसके कुछ क्वेश्चन तो आप कर लेना, 1-2 क्वेश्चन हैं ये, कल मैं 2 टाइप के क्वेश्चन कल कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, पहले कम से कम 6 क्वेश्चन कर लें, ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम, हेलो, ठीक है बेटा, यहां करना है।
ओके। जी।